तो इस बाइक में प्रॉब्लम ये है, इसका बैटरी इतना चार्ज नहीं हो रहा जो देखे होंगे गाइस। इसका जब वोल्टेज है 14 प्लस होना चाहिए, 14 20 तक जाना चाहिए बिना एक्सेलरेशन करके। तो देखिए इसका वोल्टेज देखिए 12-40 तक ही जा पा रहा है, इसका एक्सेलरेशन करेंगे तो देखते कितना दूर तक जा रहा है। तो गाइस हम लोग का जो प्रॉब्लम था ना बाइक में वो चार्जिंग का इशू था, तो अभी अपन लोग इसको हम लगा चुके हैं, तो अभी बाइक स्टार्ट करेंगे। तो ये चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए आया गाइस 14, 6, 7, 10 बिना एक्सेलरेशन करके आपको ये वोल्टेज आप लोगों को दिखाना चाहिए। वोल्टेज चेक करवा चुका हूँ, तो प्रॉब्लम कहाँ था ना हम तो यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे फिर स्पार्क होके ना यहाँ पे जल चुका है। देखिए आप लोग को भी ऐसा प्रॉब्लम आता भी है तो ऐसा काम मत कीजिएगा, ठीक है, क्यों रिक्स ही होने वाला है। तो जैसा है ऐसा ही ओरिजिनल जैसा था वैसा परचेस करके डालिए, ठीक है गाइस। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पे। काफ़ी दिनों बाद रॉयल एनफील्ड का ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं हम लोग आज, ठीक है। तो इस बाइक में जो प्रॉब्लम निकल के आ रही है ना, तो इस बाइक में प्रॉब्लम ये है, इसका बैटरी इतना चार्ज नहीं हो रहा, जो कि इसका बैटरी चेंज हो चुका है, जो कि आप लोग को मैं इसका बैटरी मैं हम लोग सबसे पहले चेक करवा देता हूँ, ठीक है। जो कंपनी का तरफ से जो बैटरी आता है वो बैटरी लगा हुआ नहीं है। तो क्लाइंट ने तो दोस्तों का सोचा कि इसका बैटरी शायद डेड हो गया है, ख़राब हो गया है, तो इसीलिए वो डायरेक्टली बैटरी इन फ्यूचर चेंज कर दिया बैटरी वाला दुकान पे जाके। तो बैटरी वाला दुकान पे जाके देखा तो चेंज कर दिया गया है, तो अभी आप लोगों को मैं चेक करवाता हूँ, ठीक है। तो इसमें न्यू बैटरी डाला हुआ देखिए, तो गाड़ी ज़्यादा चली हुई नहीं है, 19,500 किलोमीटर चली हुई है बाइक, ठीक है ना। तो यहाँ कवर पहले से खुला हुआ है, तो देख रहे होंगे गाइस एक साइड का ना नया बैटरी लगा हुआ है, तो इसमें ना बैटरी चार्ज हो नहीं रहा है। तो चार्ज नहीं हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकता, आप लोग बारीकी से मैं आप लोगों को मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो देरी नहीं करते हुए चलिए फटाफट हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को ना वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो गाइस वोल्टेज ना 12 प्लस होना चाहिए, देख रहे होंगे 12-60 तक जा रहा है, ठीक है, देख रहे होंगे 12-60 तक जा रहा है। तो अभी स्टार्ट हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। देख रहे होंगे गाइस इसका जब वोल्टेज है 14 प्लस होना चाहिए, 14-20 तक जाना चाहिए बिना एक्सेलरेशन करके। तो देखिए इसका वोल्टेज देखिए 12-40 तक ही जा पा रहा है, इसका एक्सेलरेशन करेंगे तो देखते कितना दूर तक जा रहा है। देखो गाइस देख रहे होंगे ये आगे बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम हम लोग को किस किस जगह पे मिलेगा तो आप लोगों को मैं चेक करवा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका फ्यूज है 20 नंबर का, इसको 20 नंबर का फ्यूज मैं चेक करवा देता हूँ। तो अभी अपन लोग ना इसका फ्यूज हम लोग चेक करेंगे, तो कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे दुर्दशा बन के रेडी है, यहाँ पे हो चुका है। तो ये टूल बॉक्स है, तो इसका फ्यूज बॉक्स देख रहे होंगे कुछ ऐसा दुर्दशा किया हुआ है इसका वायरिंग का। तो ये हो गया रिले और ये रहा फ्यूज बॉक्स। तो यहाँ पे हम लोग ना चार्जिंग फ्यूज खोजेंगे, तो चार्जिंग हमारा है 25 नंबर का चार्जिंग है, 25 नंबर का। तो मैं उसको दांत से खोल लूँगा, लिया हूँ, तो आप लोग भी ना खोलें। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कटा हुआ नहीं है, इसका और एक प्रोसीजर है चेक करने का, मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी पे लेके जाइएगा आप लोग। तो ये रहा, देखिएगा एक नॉइज आएगा, देख रहे होंगे नॉइज़ आ रहा है, कटा हुआ रहता है इसका नॉइज़ नहीं आता। तो ये हमारा फ्यूज अच्छा है, ठीक है। तो ये फ्यूज को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अब हम लोग का दो चीज़ पे चेक करना है, एक है रेगुलेटर, ठीक है, जिसको बोला जाता है आर यूनिट, और एक है हम लोग का आर्नेचर जो करंट यहाँ पे सप्लाई होता है, होके यहाँ पे आर यूनिट को भेजता है, फिर इसको बैटरी को चार्ज करता है, ठीक है। तो हम लोग इसको सबसे पहले चेक करने का इशू है, इसको हम लोग 2K पे लेके जाएंगे, ओम्स पे ले जाएंगे। तो उसको सबसे पहले 2K ओम्स पे ले जाने के बाद इसका जो माइनस है ना, इसका माइनस चेक करेंगे कितना है, जो एक जगह खड़ी हो जाएगी ना, तो वहाँ पे जाके हम लोग इसको चेक करेंगे। एक से लेके 4 के बीच में, 1 से लेके 3 का बीच में रहेगा ना तो सोचिएगा ख़राब हो चुका है, 4 के ऊपर रहने से चलेगा तो सही है। तो देखिए अभी कितना होके जाके खड़ा है, 7, ठीक है, 7.0 है अभी। तो अभी हम लोग यहाँ पे अभी चेक करेंगे कितना है,
तो ये रहा आर्नेचर का, हम लोग निकाल चुके हैं गाइस। तो ये देखिए, तो अभी इसको मैं यहाँ से डाल ले रहा हूँ पीछे की ओर। तो ये देखिए, इसका रीडिंग काफ़ी हाई बता रहा है, 5 है। 3 के नीचे रहता तो वो ख़राब रहता, ठीक है, अभी 5 है। ये हमारा आर्नेचर लग रहा है, सही है आर्नेचर। तो एक पॉइंट यहाँ पे खोल लिया मैंने, तो फिर दूसरे में डाला हूँ। 3 है, तीनों में आपको चेक करना है वैसे ही। देखिए यहाँ पे 5 बता रहा है, ये हमारा आर्नेचर सही है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक प्रोसीजर है इसको चेक करने के लिए, इसको जो करंट जो स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे ना फ्लैश होगा, तो इसको मैं अभी चेक करवाता हूँ आप लोगों को। 2 मिनट रुकिए, वायर सबसे पहले मैं खोज लेता हूँ। तो गाइस देख रहे होंगे मैं वायर ले चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसको चेक करने का प्रोसीजर यही है, तो बाइक को मैं इसको स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट करने का बाद इसको मैं चेक करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ, चाबी जो कि यहाँ पे है। मल्टीमीटर से मैं चेक कर चुका हूँ, आर्नेचर हमको सही बता रहा है, आर्नेचर सही है। तो और एक बार, और एक तरीका है तो दोनों में फ्लैश करना, तो मैं आप लोगों को दिखवाता हूँ। तो ये रहा वायर, ये रहा वायर, देख रहे होंगे यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, ये हमारा सही है, सही है हमारा ये वायर। ये हमारा आर्नेचर सही है, ठीक है ना गाइस। तो अभी इसको हम लोग चेक कर चुके हैं, तो अब ये पूरा 100% हम श्योर हो गए ये आर्नेचर हमारा सही है। तो अब बारी है इसका रेगुलेटर आरआर यूनिट का, तो जो आप लोग को आरआर यूनिट में चेक करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आरआर यूनिट का कनेक्शन, यहाँ से मैं आर्नेचर का, यहाँ से आरआर यूनिट की ओर जा रही है, ठीक है। तो इसको मैं खोल चुका हूँ, तो BS6 का आरआर यूनिट अलग है। तो ये रहा आरआर यूनिट का कनेक्शन, ठीक है, ये आरआर यूनिट का कनेक्शन आ रहा है, तो ये देख रहे होंगे। तो आर आर यूनिट हम पहले से ला के रखे हुए हैं, मैं श्योर था। तो गाइस देख रहे होंगे रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन पार्ट्स है, ठीक है। तो इसका प्राइस काफ़ी कम है, 1450 रुपया दाम है, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग इसको लगा के चेक करता हूँ। तो देख रहे होंगे ये कंपनी रिक्वायरमेंट है, बैरॉक का है, ठीक है। तो बैरॉक का कंपनी है, तो रॉयल एनफील्ड को सप्लाई करता है, ठीक है। तो इसका आफ्टर मार्केट से डायरेक्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अभी अपन लोग इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ये रहा गाइस यहाँ पे लगा दिया मैंने, और इसको यहाँ पे कैपलर ट्विस्ट कर देता हूँ। तो गाइस हम लोग का जो प्रॉब्लम था ना बाइक में, वो चार्जिंग का इशू था। तो अभी अपन लोग इसको हम लगा चुके हैं, तो अभी बाइक स्टार्ट करेंगे। तो ये चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। वोल्टेज पे लेके आए हुए हैं हम लोग, तो अभी बिना एक्सीलरेशन करके इसका वोल्टेज 14-20 तक आएगा, आप चेक करो। देख रहे होंगे पहले कितना आप लोगों को देख पा रहे थे, अभी ये 13-80 तक होके जा रहा है, मतलब 13 प्लस 14 के बीच में होना चाहिए। तो अभी बैटरी वोल्टेज काफ़ी कम दिखा रहा है, ठीक है, देख रहे होंगे बढ़ रहा है, उस तरह से कम नहीं रहा है, 98 99। देखिए मेरे यहाँ पे लूज कनेक्शन हो रहा है, जो कि हम पकड़ नहीं पा रहे सही तरीके से। देखिए आया गाइस 14 6 7 10, बिना एक्सेलरेशन करके आपको ये वोल्टेज आप लोगों को दिखाना चाहिए, देख रहे होंगे गाइस। तो गाइस देखें, तो अभी बिना चार्ज नहीं हो रहा तो वोल्टेज क्या था, अभी बिना एक्सेलेटर देखे तो हम लोग बिना एक्सेलरेशन करके, तो इसका वोल्टेज हर बाइक का 14-20 तक जाना।
ऐसा है, और BS4 में ना ये वाला चीज़ ना जो लगा हुआ है, ये वाला चीज़ नहीं रहता था। ये वाला जो गाइड है, इसको कॉन्डेंसर एक छोटा सा जो गाइड बोला जाता है, तो ये नहीं रहता था। तो जो कि अभी BS6 में इसको डाला गया है अलग से। तो ये वायर रहता था, एक आपका आर्मेचर से आता था, और एक ये आपको यहाँ पे लगता था, ठीक है। तो अभी काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो चुकी है BS6 में। तो अभी हम लोग इसका एक चार्जिंग थोड़ा चेक कर लेंगे गाइस, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास कोई पकड़ने वाला है नहीं, भैया चला गया कहीं पे। तो ये रहा प्लस। तो आप लोग देख पा रहे होंगे वोल्टेज, देखिए हमेशा बैटरी का वोल्टेज इतना होना चाहिए, 12+ होना चाहिए, 1260 से लेके 1290 तक होना चाहिए, ठीक है। तो भैया आ चुके हैं, तो एक बार बोलेंगे स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट करो। तो गाइस अभी नॉर्मल है, अभी स्टार्ट होने के बाद देखिए क्या वोल्टेज आ रहा है। तो गाइस वोल्टेज बढ़ेगा कहाँ से, ये कैपलर सारा मैं खोल के रखा हूँ। तो ये एक यहाँ पे लग चुका है, यहाँ पे एक, और एक यहाँ पे देख लोगे गाइस, यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये एक, तो गाइस अभी ना हम लोग ना इसका चार्जिंग चेक करके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सारा कैपलर खुला हुआ था, तो लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये था ना हीटिंग के कारण ना GoPro बंद हो चुका था अचानक, तो फिर दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप लोगों को चेक करवा देता हूँ गाइस, ठीक है। तो ये रहा 20 वोल्ट। खाली वोल्टेज चेक करो कितना बढ़ रहा है। तो गाइस आप लोगों को मैं ना वोल्टेज चेक करवा चुका हूँ। तो प्रॉब्लम कहाँ था ना, आखिरकार मैंने जो मेरा भैया था ना, तो वो इलेक्ट्रिक आर यूनिट को ना, तो बीच से जो वायरिंग कैपलर लगा हुआ था किसिंग, उसको फाड़ा। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा जाके निकला, तो ये ना ऐसा कुछ सीन हो चुका था, देखो गाइस। तो यहाँ से ना कैपलर से ना जॉइंट छूट गया था, देखो। तो ये वाला है, ये वाला लाल वाला, यहाँ से ना जॉइंट छूट चुका था, यहाँ पे रस्ट पकड़ लिया था बैटरी का, ठीक है। तो ये रिपेयर हो सकता था, तो मैंने इसको रिपेयर नहीं किया गाइस। तो यहाँ पे मैं चेक करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे फिर स्पार्क होके ना यहाँ पे जल चुका है, देखिए रेड हो चुका है, देखिए काला टाइप। तो इसको हो सका था रिपेयर हो जाता, लेकिन BS6 में गाड़ी ना कोई चीज़ रिपेयर होता नहीं है। इनकेस रिपेयर हो भी जाता है, लेकिन सस्पेंस में होता है, जो इसमें ना शॉर्ट सर्किट होने का भी चांस है। और इसमें ना सबसे बड़ा बात, इसमें ECU लगा हुआ है, ठीक है। सारा ये छोटा सा ECU है, सारा इसी में मैप सेंसर, रोल ओवर सेंसर, A to Z, सारा सेंसर एक चीज़ में डाल दिया गया। तो आप लोग को भी ऐसा प्रॉब्लम आता भी है, तो ऐसा काम मत कीजिएगा, ठीक है, क्यों रिक्स ही होने वाला है। तो जैसा है ऐसा ही, ओरिजिनल जैसा था वैसा परचेस करके डालिए, ठीक है गाइस। तो वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर करके जाना गाइस। तो आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फाइनली काफ़ी दिनों बाद वीडियो आप लोग को मिली है, ठीक है। तो गाड़ी हो चुका रेडी,